कैसे हो प्यारे दोस्तों। नमस्कार, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 27 तारीख को जो है RAS प्री 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि हमको जो है कितने क्वेश्चन जो है RPSC के प्री एग्ज़ाम में जो है अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमने कट ऑफों को ध्यान में रखा है, जो पुराने कट ऑफ कितने क्या हैं उसका भी एनालिसिस किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है 2018 के कट ऑफ हैं। जनरल कैटेगरी का 78 के आसपास था नंबर में, SC का 71, ST का जो है 76। यहाँ पे ST का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। OBC का कट ऑफ दोस्तों 95 के आसपास था। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है OBC का रहता है। अब दोस्तों देखिए, यदि हम बात करें इसको, यदि हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो हमारे जो है लगभग हमारे 53 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में सही होने चाहिए 150 में से। और दोस्तों जो आगे फ्रेंड्स सेवन और SC कैटेगरी में दोस्तों 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ST में 51, और दोस्तों जनरल और OBC कैटेगरी में जो है 64 क्वेश्चन सही होने चाहिए, माइनस मार्किंग नेगेटिव वगैरह सब काट गए। तो दोस्तों देखिए, हमको यदि आप जनरल कैटेगरी SC ST में हो तो आपको लगभग दोस्तों 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए क्वेश्चन की श्योरिटी थोड़ा कम रहती है। तो जितने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन, मतलब ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, तो दोस्तों आपको यदि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें से आपके 70 सही होते हैं, 30 गलत भी हो जाते हैं, तो आप 60 क्वेश्चन आपके सही बच जाएंगे, यानी कि आपको जो है 90 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों कैटेगरियों में इस प्रकार से आप क्वालिफाई हो जाओगे यदि आप 100 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करते हैं। वहीं दोस्तों एक और ये OBC कैटेगरी में यदि आप हो तो दोस्तों इसमें जो है 64 क्वेश्चन लगभग जो है आपके सही होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जैसे माना आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और तो फ्रेंड्स इसमें से आपके जो है 84 क्वेश्चन सही है और 36 क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों काटने के बाद, सब नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आपके जो है 72 क्वेश्चन जो है सही बच जाएंगे, और इस प्रकार से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और फिर दोस्तों आप अपने अनुसार भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमें जो लगा हमने आपको बताया है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक ही दोस्तों अटैम्प्ट करने होंगे। यदि आप 50% ही क्वेश्चन गलत करते, मतलब सही कर, मतलब अटैम्प्ट करते हो, उसमें से यदि आपके 5-6% भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके जो है श्योरिटी नहीं रहेगी सिलेक्शन की, और आप जो है मेंस की तैयारी भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को